इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहां मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जागती बॉलीवुड फिल्म और हमारे फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनब्ले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। दुनिया घूम के जगह जगह का खाना खाया है, लेकिन इंडिया का खाना, इट्स माय फेवरेट थिंग हियर। और खाने के साथ खाना खिलाने वालों का प्यार, सो मच ऑफ लव। मैं जानता हूं इंडियन लड़की से शादी की है मैंने, और इंडियन फैमिली का प्यारा दामाद होना मतलब हर रोज शाही दावत, इट्स अ रॉयल फीस्ट एवरी डे। भाई ठीक है, नहीं बस हो गया, ठीक है थोड़ा कड़ी बस। सी, यू जस्ट कैन से नो टू फूड इन इंडिया। इस देश में अगर किसी को खुश खाना हो तो उनका ऑफर किया हुआ खाना खा लो। एंड एनीवे व्हाई वुडंट यू? आई नो आई एम साउंडिंग लाइक सम टिपिकल टूरिस्ट, बट इंडियन खाने जैसा स्वाद, जैसी खुशबू दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकती। एक बात बताओ, ये जो पूरी महफिल लगी है मेरी प्लेट पर, गेस व्हाट, ये सब वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी, सब कुछ, आमरस, दाल, कड़ी, सब्जी। एंड एक्चुअली आई एम नॉट सरप्राइज्ड, पूरी दुनिया में से द मोस्ट वेजिटेरियंस इंडिया में ही हैं। बट व्हाट इज सरप्राइजिंग, मेरी इस मील में मांस मच्छी तो छोड़ो, नो अनियन एंड नो गार्लिक, हाँ नो प्याज, नो लहसुन। आई थिंक इंडिया में ही ऐसा खाना मिलता है, बट डोंट वरी, इट्स डिलीशियस। ये प्योर वेजिटेरियन नो अनियन नो गार्लिक खाना के बारे में और पता करना पड़ेगा मिलोर्ड। लेकिन अभी मेरी भूख खत्म नहीं हुई, तो थोड़ा और खाना खाता हूँ, आप पता करके आए। शेफ होने के नाते बरखुरदार एडवर्ड को है खास रुचि इंडिया के हर तरह के खाने में, और खासकर यहाँ का सात्विक खाना जो कि दुनिया में शायद ही कहीं और मिलता हो। पूरी दुनिया में इंडियन खाना स्पाइसी, ऑयली और ग्रीजी माना जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। इंडियन खाना एक्चुअली बहुत ही सिंपल होता है। सात्विक खाना वो होता है जो फ्रेशली बनाया जाता है, जो खाना मीट, फिश, एग्स, अनियंस, गार्लिक और अल्कोहल के बिना बनाया जाता है, उसको सात्विक खाना कहते हैं। और हमारे खाने का असली सत्व जो है वो हमारे वेदों में लिखा है। हमारे वैदिक टेक्स्ट में खाने को तीन गुणों में क्लासिफाई किया जाता है, जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। आयु सत्व बला रोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्य स्निग्धा स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय। सात्विक खाना वो होता है जो शरीर के साथ मन को भी ताकत देता है। फ्रेश फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स लाइक दाल एंड राइस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारे सात्विक खाने के एग्जाम्पल्स हैं। राजसिक खाना वो होता है जो स्पाइसी, हैवी और ऑयली होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स लाइक चिकन, फिश, एग्स,
and beverages like tea and coffee are examples of rajasic food. Jo khana fresh nahi hota hai, which is usually stale and processed foods, use tamasic kaha jata hai. हर चीज की तरह भारत के खाने में भी एक सच्चाई और दिव्यता है। खुद खाने से पहले यहाँ ईश्वर को भोग लगाया जाता है और भगवान की पूजा की तरह ही खाना पकाने की कला भी किसी धार्मिक रीति रिवाज से कम नहीं। हमेशा से ही खाने की शारीरिक और मानसिक महत्वता को भारत में ठीक से परखा समझा गया है। में हर चीज हर बात किसी ना किसी तरह से स्पिरिचुअल होती है, खाना भी। आज मैं एक बहुत पुराने मंदिर में आया हूं, वाइकॉम टेम्पल। इट्स द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोची। यहां के किचन में हर रोज भोग बनता है और भगवान को चढ़ाया जाता है। यू नो, ऐसा कल्चर और कहां मिलेगा जहां खुद खाने से पहले भगवान को फूड ऑफर करके ब्लेसिंग्स लेते हैं। बट दिस फूड दैट्स ऑफर्ड टू गॉड, क्या ये भी सात्विक होता है? होता होगा ना? सात्विक, राजसिक और तामसिक एस्पेक्ट्स रिलीजियस कंटेक्स्ट में भी अप्लाई किया जाता है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जिसका मतलब होता है फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, जो भक्ति से ऑफर करते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन भक्त जन भगवान को अलग अलग तरीके का खाना बना के चढ़ाते हैं और इसको भोग कहते हैं। भोग जो भगवान को चढ़ाते हैं उसमें 6 टेस्ट्स या रसास, विच आर स्वीट, सार, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट, ये 6 टेस्ट्स होते हैं। और ज़्यादातर भोग जो होता है वो सात्विक होता है, एक्सेप्ट इन सम शक्ता ट्रेडिशंस और शिवा टेम्पल्स वेर यू विल फाइंड some rajasic food ingredients also being offered to the gods. भारतीय खाने की खूबी सिर्फ उसके स्वाद में ही नहीं बल्कि परोसने और ग्रहण करने में भी है। आज भी भारत में कई जगह भोजन जमीन पर बैठकर खाया जाता है, जिससे पहले जमीन के उस भाग की बकायदा सफाई भी होती है। खाना खाने वाले को छोटी सी एक चटाई या साफ करी गई जमीन पर ही बैठने की जगह दी जाती है। ओके, मुझे कुछ कहना है। दिस प्रसाद कॉन्सेप्ट, आई लव इट। खाना भी खाओ और आशीर्वाद भी पाओ। वाह, जरा और लेके आओ। द वे इन विच वी हैव फूड, it's very important. The way we sit is also important because hamara sharir ka wo tract hai, annanaal kehte hai, wo agar straight nahi hai to hamara body ko kafi effort dalna padega. The general rule is that you sit in the most comfortable posture while having food and sit upright and have your bottom and your knees in a 45 degree angle. So the best posture would be Sukhasana. Khana kela aur saal paton ke plate mein bhi khaya jata hai. Kele ke paton mein polyphenols jaise antioxidants hote hain aur jab garam garam khana paton ke upar paroste hain to wo sare nutrients khane ko enrich karta hai aur jab khana samapt ho jata hai to wo fold karke gaay ko bhi khilaya ja sakta hai. Mummy ne sikhaya tha ki khate hue baat nahi karte, so sorry for talking. लेकिन मम्मी ने नहीं सिखाया कि खाना हाथ से भी खाया जा सकता है, with just your fingers. तो इसके पीछे क्या फिलॉसफी है? जब हम खाने को हाथ से खाते हैं तो उसके टेम्परेचर को परख सकते हैं, उसके टेक्सचर को महसूस कर सकते हैं और जब खाने को छूते हैं तो उसके साथ एक गहरा रिश्ता बन जाता है। और ये 5 उंगलियां जो है वो पंच महाभूत यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा शरीर और खाना
दोनों पंच महाभूतों से बना होता है और हाथ से खाना खाने से खाने के अच्छे गुणों को बॉडी एब्जॉर्ब करता है। मिठाई इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द मील। ये तो पूरा खाना था, लेकिन मैंने देखा है कि कई मंदिरों में भगवान को मिठाई चढ़ाते हैं और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो व्हाई इज प्रसाद यूजुअली स्वीट? स्वीट टेस्ट इज कॉल्ड एज आजन्म प्रभृतैः सात्म्यम्, विच मीन्स इट्स अकस्टम्ड टू अस फ्रॉम बर्थ। द फर्स्ट फूड दैट एनी ह्यूमन हैज इज मदर्स मिल्क एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्वीट। So we are used to sweet taste from the very beginning of our lives. So it is that connection that is maintained through prasadas as well. Itna prasad khaya, aisa lag raha hai ki main so jaun. India mein khane ki purity kitni important hai, ise aasani se prove kar sakte hain kisi bhi Hindu family ke kitchen mein jaakar. Kone mein chota sa mandir ya Bhagwan ki tasveer kuch to zarur hoga. Aur banta hai bhai. घर की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेक्रेट जगह में भगवान तो जरूरी है। पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। खाने को पेट पूजा बोला जाता है, जो सही भी है, क्योंकि आयुर्वेद में ये माना जाता है कि खाना जो है वो बॉडी के लिए ऑफरिंग होता है। अब जनाब एडवर्ड आ गए हैं एक और ऐसी जगह जहाँ सारा खाना सिर्फ सात्विक है, मुंबई का इस्कॉन मंदिर। जो खाना खुद गॉड ऑलमाइटी को सर्व किया जाता है, उसमें कुछ तो मैजिक होगा। और यहां इस्कॉन के फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर आई एम गोइंग टू फाइंड आउट ऑल अबाउट इट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज टेक अस। थैंक यू। कैसी है आप? बस हम ठीक है। मैंने सुना है कि आप यहाँ पर कुछ जानने के लिए आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ, तो मैं सात्विक खाने के बारे में पता करने आया हूँ। ओके। और मैंने सुना है कि there's a connection between Ayurveda and सात्विक खाना, तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? यस, यू आर राइट, देयर इज अ कनेक्शन। देखिए, अब सात्विक खाना हम जिसे कहते हैं, ये खाना फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो है कि जो फ्रेश हो, जिसको खाने के बाद तृप्ति महसूस होती है, उसे कहते हैं सात्विक खाना। अब आप जानते हैं कि हर इंसान अलग अलग होता है, यानी उसकी प्रकृति अलग होती है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? सो भगवद गीता में कृष्णा कहते हैं कि अर्थ, वाटर, फायर, ईथर एंड एयर, ये जो है, ये फाइव एलिमेंट्स, उनकी ग्रॉस एनर्जी है, और माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, दीज आर हिज सटल एनर्जीज। So our body is made up of these five gross elements and these subtle three elements. आपने सुना होगा वात पित्त कफ। एयर प्लस ईथर इज इक्वल टू वात। फायर प्लस वाटर इज इक्वल टू पित्त। एंड अर्थ प्लस वाटर इज इक्वल टू कफ। ये फाइव एलिमेंट्स तो हर इंसान में होते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि उसमें वात प्रधान हो, किसी में पित्त प्रधान हो, या किसी में कफ प्रधान हो। जितनी व्यक्ति रहेंगे उतनी प्रकृति रहेगी, और डाइट भी वैसे ही होगा। आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि अगर खाना हमारे प्रकृति के हिसाब से खाया जाता है तो हमारे बॉडी में बैलेंस या संतुलन बना होता है, विच प्लेस अ बिग रोल इन प्रिवेंटिंग डिसीज। तो आप क्या खा रहे हैं ये डिसाइड करता है कि वो आपको कैसे नरिश करता है। अच्छा, मुझे सात्विक समझ में आ गया। लेकिन ये सब एलिमेंट्स के हिसाब से मुझे क्या खाना चाहिए, बताइए डॉक्टर। कैन आई चेक योर पल्स प्लीज? माय पल्स प्लीज। इन द स्टमक इज लॉट ऑफ विंड। वो तो पता था मुझे। योर माइंड आल्सो थिंक्स टू मच। हाँ, वो भी पता था। सो राइट नाउ इट इज मोर ऑफ वात प्रधान, आप जो हो वो वात प्रधान ज्यादा हो। अच्छा, राइट। तो आपका आहार भी वैसे ही होना चाहिए। अब वात का शमन किससे होता है? तो जो स्निग्ध है, उष्ण है, ऐसे पदार्थों से। स्निग्ध? स्निग्ध माने डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, एंड आल्सो द यस लाइक घी हुआ, दूध हुआ, तेल, दीज आर ऑल कम अंडर स्निग्ध। ये सब चाहिए मुझे? जी, आपको चाहिए। यस, मोर डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सब मेरे बारे में था, लेकिन एक बात सच बताइए,
हर रोज सात्विक खाना खाके बोरिंग नहीं हो जाता? शायद आप जानते नहीं हैं कि हम सात्विक कुकिंग में हमारे पास कितनी सारी रेसिपीज है। अच्छा, लेट मी शो इट टू यू। प्लीज। इतने सारे इंटरेस्टिंग रेसिपीज, कभी सोचा भी नहीं था सात्विक खाना के इतने सारे इंटरेस्टिंग रेसिपीज भी बन सकते हैं। पास्ता, चाइनीज, साउथ इंडियन इडली सांभर, हर रेसिपी है इन सात्विक रेसिपी बुक्स में। और अगर आप मेरी तरह मीठे के शौकीन हैं, तो सात्विक खाना में डेजर्ट के भी बहुत सारे रेसिपीज होते हैं। One of my favorites is called adha, या एला अढ़ा, जिसकी रेसिपी में अभी आपके साथ शेयर करूंगा। So pull out your pens and paper and note down this delicious recipe. इसमें डालता है चावल का आटा, घिसा हुआ नारियल, इलायची का पाउडर, जीरा पाउडर और खड़ा शक्कर। पहले नारियल, चीनी और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और साइड में रखते हैं। उसके बाद चावल के आटे में एक पिंच नमक डालकर इसमें उबलता हुआ पानी डालते हैं और इसको मिलाते हैं डो बनाने के लिए। यह है देसी सिनेमन का पत्ता या तेज पत्ता, जिस पर ये आटा स्प्रेड करते हैं एक साइड पर। फिर इसको नारियल के मिक्सचर से स्टफ करके फोल्ड कर देते हैं। और फिर इसे किया जाता है स्टीम 10 से 12 मिनट तक। जैसे एल्ला आड़ा है, वैसे ही सात्विक खाने में कई सारे दिलचस्प रेसिपीज होते हैं। लेकिन इन रेसिपीज को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सात्विक खाने के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। इंडियन दमाद होने का फायदा बहुत है, लेकिन हार्ड वर्क भी। आटा, दाल, टमाटर, आलू, सब का भाव पता चल गया जमाई बाबू को। देखो, तूर दाल 180, टमाटर 35, देखा, पास हो गया। सो टुडे शॉपिंग डे, और बीवी, बेटा, नानी, मासी सब ने शॉपिंग लिस्ट दिया है, लेकिन इस लिस्ट में से क्या क्या सात्विक है देखते हैं। फर्स्ट आइटम, ब्रेड। ब्रेड में यीस्ट होता है और यीस्ट इज जनरली कंसिडर्ड तामसिक। ब्रेड कैन हैव द एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ राजसिक एंड तामसिक क्वालिटीज इन इट। ठीक है, मैं थोड़ा कम खाऊंगा, बेटे के लिए तो चलेगा ना। नेक्स्ट आइटम, दूध। दूध तो पक्का सात्विक है, मतलब सब दूध का प्रोडक्ट भी होगा, तो मक्खन, घी, पनीर, दही, लस्सी, आइसक्रीम भी सात्विक होगा। फ्रेश मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स सात्विक होता है, लेकिन अगर मिल्क पैश्चराइज्ड या होमोजेनाइज्ड होता है, जैसे कि टेट्रा पैक में जो मिलता है, वो सात्विक नहीं माना जाता। एग्स, अंडे, 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 रजासिक नहीं, तमासिक। फल ज्यादातर सात्विक होता है, और अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कोई भी फल आप लेके खा सकते हैं। आलू नॉट सात्विक, और मेरे करण अर्जुन कैसे हो पाएगा सात्विक डाइट? ज
जाने कैसे थे वो दिन जब सिंपल ग्रोसरी शॉपिंग में इतना मास नहीं करना पड़ता था। ये उठाओ वो उठाओ, क्या ये रजासिक है या तमासिक या सात्विक? लॉजिक है, साइंस है, और एक बेचारा एडवर्ड भी है। बेचारा लेकिन समझदार। आई नो अ लॉट मोर नाउ देन आई यूज्ड टू। आप पी ना। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.